जब देखते हैं तो हमको लगता है कि अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, गलत है, और हमारा मत हम प्रदर्शित करते हैं, देखते हैं उसके तरफ, दुनिया की तरफ, और वहां से फिर हमारी एक्शंस आते रहती है। अभी हम देखते हैं कि ये होता कैसा है। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। ये देखिए, हमारी अलग 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 भावनाएं हैं, जैसे कि गुस्सा है, निराशा है, मान अपमान है, अपराधीपन की भावना है, दुख है, न्यूनगंड की भावना होती है, चिड़चिड़ापन है, चिंता है, दुख है, फिर फिक्र लगती है, डर लगता है, शक है, उदासीनता है, आश्चर्य है, आनंद है, समाधान है, हर्ष है, शांत चित्त है, ऐसे काफी सारे मान अपमान है ना, ऐसे अपराधीपन की भावना, ऐसे काफी सारी भावनाएं हमारे होता क्या है, ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं एक बार पैदा हो गई अंदर दिमाग में, उसके साथ साथ फिर एक्शंस भी आती। फिर अभी भावनाएं तैयार कैसे होती है, फिर हमको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये देखना है कि वातावरण की कोई भी जो कंडीशन है, मतलब कोई भी वातावरण हो, तो कंडीशंस जो है वो हमारे इमोशंस पैदा नहीं करते। कंडीशंस डू नॉट क्रिएट अवर इमोशंस। सिचुएशन जो है, परिस्थितियां जो है, सिचुएशंस वो हमारे इमोशन पैदा नहीं करते। सिचुएशंस डू नॉट क्रिएट अवर इमोशंस। एक्सटर्नल थिंग्स, बाहरी चीजें जो है वो कोई भी हमारे इमोशंस पैदा नहीं करती। कोई भी परिस्थितियां नहीं, कोई भी बाहरी चीजें नहीं, कोई भी सिचुएशन नहीं, कोई भी कंडीशन नहीं, वो हमारी चीजें पैदा नहीं करती। हमारा नजरिया जो उसके तरफ देखने का है, या हम हमारे से क्या बातचीत करते उस समय, वो हमारे इमोशंस पैदा करते, और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है। मतलब एक सेकंड से भी कितना कम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम अपने आप से कुछ तभी अंदर बातचीत करते हैं, और वहां से फिर हमारे इमोशंस तैयार होते हैं। एक बार इमोशंस तैयार हो गए कि वहां से एक्शन आती। देखो, जब मैं बातचीत कर रहा हूं अभी, तो मैं एक मिनट में 600 से 800 शब्द बोल सकता। तो होता क्या है कि कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप से बातचीत कर लेता हूं, खटखट 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 बातचीत हो जाती है, और वहां से फिर भावनाएं तैयार होती है। इसलिए बोलते कि यह दुनिया में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। यह सूरज के नीचे, यह पृथ्वी के ऊपर, कुछ भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है, कुछ भी चीज सही या गलत नहीं है। अपना उसके तरफ देखने का नजरिया क्या है, या अपन उसके तरफ देखने से क्या सोचते हैं, वहां से वो सही गलत अच्छा बुरा होता है। वैसा वहां कुछ भी नहीं है। हम उसको क्या मीनिंग लगाते हैं, उसको क्या अर्थ लगाते हैं, वहां से वो अच्छा बुरा सही गलत होता है, वैसा वहां कुछ भी नहीं है। तो ये दुनिया के अंदर, ये सूरज के नीचे कुछ भी अच्छा बुरा सही गलत नहीं है। हम जो हो रहा है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसको क्या अर्थ लगा रहे, अपने आप से क्या बातचीत कर रहे हैं, वहां से उसको मीनिंग दिया जाता है, वहां से उसको अर्थ दिया जाता है। वो अर्थ जो है उसके साथ साथ भावनाएं भी तैयार होती है। और जैसा मैंने बोला कि अलग अलग भावनाएं हैं, और भावनाएं तैयार जो होती है वो जो मैं बातचीत करता हूं अपने आप से, 600 से 800 शब्द में एक मिनट में मेरे से बोल लेता हूं, तो वो जो इतनी फास्ट बातें मैं अपने आप से करता हूं, वहां से भावनाएं तैयार होती है। और भावनाएं तैयार होने के बाद में मैं वहां से फिर एक्शन कर लेता हूं, वहां से फिर मेरी एक्शन शुरुआत हो जाती है, मैं रिएक्ट करता हूं, जो भी कुछ करूंगा वहां से आता है। तभी हमको ये देखना पड़ेगा कि मैं जो बातचीत अपने आप से कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां हम ऑल्टर कर सकते हैं। हमारी भावनाओं को कंट्रोल करना है तो हम वो जो बातचीत करने का जो पॉइंट, मतलब दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसको मैंने कैसा देखा, उसको मैंने कैसा अर्थ लगाया, उसके तरफ देखने का मेरा नजरिया क्या था, तो वो जो बातचीत मैं कर रहा हूं वहां से उसको मैं ऑल्टर कर सकता हूं। वो यदि मैंने ऑल्टर कर लिया, मेरी भावनाएं ऑल्टर हो जाएंगी, और भावनाएं ऑल्टर हो जाएंगी तो मेरा बिहेवियर ऑल्टर हो जाएगा। तो भी वो मैं कैसा पावरफुली जो भी हो रहा है उसको मैं क्या अर्थ लगाऊंगा, किस तरह का अर्थ लगाऊंगा उसको, किस तरह कुछ भी जो हो रहा है वहां मैं मेरा थिंकिंग क्या करूंगा उसके ऊपर यदि मैं कंट्रोल ला सका, वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो खटखट 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 मेरा एकदम अंदर चालू हो जाती है अपने आप से बातचीत करना, वहां यदि मैं कंट्रोल कर सका उसको, तो अर्थात मेरी भावनाएं जो है वो भी ऑल्टर हो सकती है, और मेरा बर्ताव है वो भी ऑल्टर हो सकता है,
तो उस समय फिर मेरा गुस्सा और गुस्से से होने वाली एक्शन, दुख, निराशा, मान अपमान, बदले बदला लेने की भावना, अपराधीपन की भावना, न्यूनगंड वगैरह जो भी है, और वहाँ से जो एक्शन आती है वो एक्शन नहीं होंगी, और मैं उसको अच्छा यदि अर्थ लगाता हूँ तो वो मुझे वहाँ से एक्शन देगा और मेरे जीवन में खुशियाँ, शांति और आनंद, समाधान फिर बाद में आ सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।